बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। स्वागत है आपका हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। अपने तयशुदा घोषणा के अनुपालन में किसान सड़क पर उतर गए हैं। पंजाब से राजस्थान तक के रास्तों पर जाम की घोषणा का असर दिखना शुरू हो गया है। फतेहाबाद में NH9 जाम कर दिया गया है। गांव बड़ोपल में जबवाली दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर किसान बैठ गए हैं और उन्होंने जाम लगा दिया है। यहां सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं जो बराबर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि पूर्व में चक्का जाम की गई घोषणा के तहत ये जाम लगाया गया है, जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया है। वहीं पंजाब के करनाल में किसानों ने 12 बजते ही नेशनल हाईवे बस्ताड़ा टोल को जाम कर दिया है। किसानों का जाम शुरू हो गया है, लेकिन देश के किसी भी हिस्से से फिलहाल किसी उपद्रव की सूचना नहीं है। उधर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान राकेश टिकैत की अगुवाई में धरनारत है। राकेश टिकैत ने दो दिन पहले ही दिल्ली, उत्तराखंड व यूपी को चक्का जाम की घोषणा से मुक्त रखा था। किसानों की दिल्ली जाने की कोई योजना फिलहाल नहीं बताई जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए हैं। वहीं लाल किले पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह की सीमा पर बैरिकेडिंग की गई है उसे लेकर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी मिल गया है। विपक्ष का दावा है कि ऐसी बैरिकेडिंग तो दो मुल्कों की सीमा पर भी नहीं होती है, जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर की गई है। इस बीच यूपी में तमाम जिले मुख्यालयों पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। मेरठ में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और ADM सिटी को ज्ञापन दिया। इस बारे में मंडल महामंत्री सतवीर सिंह जगेठी ने ये जानकारी दी। सतवीर जगेठी, मंडल महामंत्री मेरठ। देखो जी, हमारी जो है जो 74 दिन से धरना चला आ रहा है, किसान जो है अब भाई जाग चुका है। बहुत दिन सो लिया, 7 साल हो गए इस प्रदेश सरकार को ये कह के किसानों को लुभाया भाई आय दुगनी होगी, 2022 में आय दुगनी होगी। भाई पहले इन्होंने कहा था अब भाई 15 लाख रुपए सबके खातों में आएंगे, किसी के खातों में नहीं आए। उसके बाद युवाओं को लुभाया भाई 2 करोड़ रोज़गार हर साल दिए जाएंगे, 7 साल हो गए आज तक किसी को रोज़गार नहीं मिला। उसके बाद ये कोरोना काल आ गया, कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब भाई तुम वो बजाना थाली चम्मच बजाना कोरोना भाग जाएगा। जब देख लिया सबने चम्मच और थाली बजाई तो प्रधानमंत्री समझ गए भारत की जनता बेवकूफ़ है, किसान मूर्ख है। उसी कोरोना काल में ऐसी क्या आफत आ गई थी, क्या मजबूरी आ गई थी, देश पर क्या संकट आ गया था। आगे तीनों कानून लाए और जो है लागू पारित भी कर दे, किसान सोचता रहा 3 महीने में शायद सरकार को सोचेगी। उसके बाद इन्होंने सिंधु बॉर्डर पर जब सरकार ने खाई खोद दी, पानी की बारिश शुरू कर दी, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आदेश हुआ पूरे प्रदेश के टोल फ्री किए गए। लेकिन जब ये लगा भाई हमारा किसान जो सिंधु बॉर्डर पिट रहा है, तो 28वां हमारे आदेश दिल्ली के लिए हो गए भाई। आज 74वां दिन चल रहा है, हमारे 150 किसान शहीद हो गए। उसके बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कम मन नहीं पसीजा, उन्होंने एक दिन भी ये नहीं कहा अकबर मेरे किसान का अन्नदाता, मेरे देश का अन्नदाता मर रहा है भाई, मेरी इसके प्रति जो है सहानुभूति है। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।